दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लिखो जन्म स्थान अहमदाबाद। बाद में अपने इधर राजस्थान की तरफ आ गए थे, पर इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, अहमदाबाद। दादू दयाल जी के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, इनके माता पिता के नाम के बारे में कोई एकमत है नहीं कि कौन है, पर कहते हैं कि लोदीराम जी नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। लिखो गुरु ब्रह्मानंद जी, गुरु ब्रह्मानंद जी कहीं लिखा है तो दोनों लिख लेना आप। तो कई बार क्या होता है, मैं ब्रह्मानंद जी बता देता हूं, फिर स्टूडेंट को लगता है नहीं सर हमने तो ये पढ़ा था, ये क्यों नहीं लिखा है आपने। एक ही बात है, इन्हीं का नाम है ब्रह्मानंद जी या वृद्धानंद जी, राजस्थान के इनको मानने लग गए। सांभर रहे थे खूब दिनों तक, आमेर रहे थे खूब दिनों तक। लास्ट टाइम में अपने सांभर के पास में एक जगह पर थे नरेना, वहां नरेना के अंदर रहने लग गए थे। नरेना में बाद में इनका मुख्य धाम वगैरह बनाया गया था। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। मैं थोड़ी सी और बात समझाता हूं। भक्ति की दो फॉर्म मानते हैं हम, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। मैं सिंपल सिंपल सा मोटा मोटा यदि इनका अंतर बताऊं तो जिसमें मूर्ति पूजा की जाए, आइडल वर्शिप जिसके अंदर हो वो सगुण भक्ति है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाए वो निर्गुण भक्ति है। उस समय मध्यकाल का समाज था, आडंबर बढ़ रहे थे, कर्मकांड बढ़ रहे थे, मंदिर जाना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा आपको, ये नहीं करोगे देवता के तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, इस प्रकार की खूब सारी चीजें थी। व्यक्ति धार्मिक मामलों में बंधता जा रहा था, जकड़न तेज होती जा रही थी। ऐसे समय में हमारे कुछ संत आए जिन्होंने उन धार्मिक बेड़ियों को जो लगातार कठोर होती जा रही थी उनको ढीला करने का प्रयास किया था, उनको थोड़ा हिलाने का प्रयास किया था, वो जो जकड़न आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया था। ऐसे लोगों के अंदर दादू दयाल जी का नाम बहुत बड़ा है। हम दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। हम कहते हैं इस प्रकार कबीर जी ने बाकी भारत के अंदर ये चीजें की थी, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तब कबीर जी कहते हैं क्या है वो एक कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भलीन पीस खाए संसार। यदि भाटे पूजने से, पत्थर पूजने से भगवान मिलता हो तो मैं पूरा पहाड़ पूज दूं, इससे अच्छा तो पत्थर की चक्की है, कम से कम संसार पीस के तो खाता है। इसका मतलब व्यक्ति साफ साफ मूर्ति पूजा पर प्रहार कर रहा है, वो कह रहे हैं इसका मूर्ति में भगवान नहीं है, घट घट में राम है, कण कण में राम है। घर पे भी बैठ के यदि राम 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 नाम लोगे, यदि आप अच्छे आप बर्ताव करते हो लोगों के साथ में, यदि आप अच्छी भावनाएं रखते हो लोगों के प्रति, तो भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी मंदिर देवरा ढोकने की आवश्यकता नहीं है, मूर्तियों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि समाज में वो जो एक ये वातावरण बन गया था कि नहीं मंदिर जाना ही पड़ेगा, ये नहीं किया तो फिर देवता आपको ये श्राप दे देंगे, उनका नहीं सा, भगवान दयालु होता है, इस प्रकार की बातें थोड़ी कर सकता है। तो निर्गुण भक्ति की एक विचारधारा आई थी, दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति की विचारधारा अपने राजस्थान में फैलाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। यहाँ पे दो जगह खूब टाइम तक रहते, एक तो सांभर जयपुर में जगह पड़ती है दोनों, एक आमेर। दयाल जी यहां पर थे तो आमेर में एक राजा थे भगवंत दास जी, भगवंत दास जी नाम करके आमेर के राजा हुआ करते थे। ये दादू दयाल जी को अकबर से मिलाने के लिए लेके गए थे, मुगल बादशाह था उन दिनों में अकबर। अकबर उन दिनों फतेहपुर सीकरी में रुका हुआ था, यूपी में जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में रुका हुआ था। अकबर ने मुलाकात की थी, भाई तो कोई पूछे आपसे कि दादू दयाल जी कौन से मुगल बादशाह के समकालीन थे, कौन से मुगल बादशाह के टाइम में हुए थे, तो अकबर के टाइम में थे। क्या उन्होंने मुलाकात की थी? जी मुलाकात की थी। किसके साथ गए थे? तो आमेर के राजा भगवंत दास जी के साथ गए थे। रहा करते थे जयपुर, ढूंढाड़ क्षेत्र है, यहाँ की जो भाषा है वो है ढूंढाड़ी। तो इन्होंने अपने जो भी उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए? तो ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे मुख्य के अंदर। तो वहीं बड़ा मंदिर बना हुआ है दादू जी का। मुख्य के अंदर नरेना, जयपुर के अंदर ही जगह पड़ती है। देख लो मेला, 5वें दिन से लेके 11वें दिन तक, एकादशी मतलब 11वां दिन हो गया, तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक दादू दयाल जी महाराज का मेला लगता है। इनके जो मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं दादू द्वारा। मंदिरों क्या कहते हैं? दादू द्वारा। पर अब एक सवाल उठता है अपने मन के अंदर कि जब मूर्ति पूजा करते नहीं तो मंदिर में होता क्या है, फिर मंदिर किस बात का है? अक्सर वे धर्म या वे संप्रदाय जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं किताबों की पूजा करते हैं।
उनमें ग्रंथ पूजे जाते हैं। इस्लाम मूर्ति पूजा नहीं करता, कुरान की पूजा होती है। सिख मूर्ति पूजा नहीं करते तो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते। ईसाई जो है मूर्ति पूजा नहीं करते तो उनके बाइबिल की पूजा की जाती है। उसी प्रकार ये जितने अपने निर्गुण भक्ति वाले संप्रदाय हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, ये उन संतों की जो किताबें हैं या उन किताबों में जिनमें संतों के उपदेश है उनकी पूजा करते हैं। दादू जी के उपदेश जिस पुस्तक में लिखे हुए उस पुस्तक को बोलते हैं वाणी। वाणी पुस्तक का नाम है भाई, बुक का नाम है। और मंदिर में दादू जी की वाणी की पूजा की जाती है, मतलब वो जो बुक है उसकी पूजा की जाती है। अलख दरीबा, सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा बोलते हैं। दादू संप्रदाय ये मानता है, दादू जी का एक उपदेश ये था कि व्यक्ति केवल जीवन के अंदर ही नहीं मृत्यु के बाद भी लोगों के काम आना चाहिए। इसलिए मरने के बाद भी लाश को न तो जलानी चाहिए ना दफनानी चाहिए, ना तो जलाइए ना दफनाइए। तो क्या करें साहब? तो पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में ले जाकर छोड़ दो, पशु पक्षी खा जाएंगे। मरने के बाद जब शरीर मिट्टी हो जाता है, नश्वर काया मिट्टी की थी, मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, तो फिर क्या जलाने से क्या दफनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? इसे अच्छा लाश को ले जाके छोड़ दो खुले मैदान के अंदर कहीं भी, पशु पक्षियों के खाने के तो काम आएगा। मरने के बाद भी व्यक्ति का शरीर कुछ तो काम आया। तो दादू संप्रदाय में लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में रख दी जाती है। लिख लो। तो दादू जी का जो संप्रदाय हुआ उसका नाम दादू संप्रदाय हो गया। पंथिया संप्रदाय एक ही चीज होती है, कोई अंतर नहीं होता। दादू जी के मरने के बाद जो दादू पंथ था वो 5 शाखाओं में विभाजित हो गया था। लिख लो दादू पंथ की 5 शाखाएं, या दादू पंथ की शाखाएं लिख लो आप। तो ब्रांचेज ऑफ दादू सेक्ट, ब्रांच कौन कौन सी है? ब्रांचेज ऑफ दादू सेक्ट, मैं नाम लिख रहा हूं एक बार उतार लीजिए, फिर मैं इनके अर्थ बता दूंगा आपको। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। वे जो नरेना, नरेना इनका सबसे मुख्य केंद्र है, सबसे मुख्य पीठ नरेना है। वे जो नरेना वाली पीठ को मानते हैं वे खालसा है। जो घर बार छोड़कर रहने लग गए थे वो विरक्त है। वे लोग जो उत्तर की तरफ चले गए, हरियाणा चले गए थे, बनवारी दास जी महाराज थे हरियाणा में, रतिया नाम की जगह पड़ती है, रतिया जाके रहने लग गए थे, वो उत्तरादे है। जिन्होंने अपने शरीर पर भभूत वगैरह लगानी शुरू कर दी थी, राख वगैरह लगा के वैसे रहने लग गए थे, एकदम भस्म लगा के रहने लग गए थे, वो खाकी है। जिन्होंने कपड़े पहनने बंद कर दिए थे वो नागा है। तो बेसिकली 5 है। दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे। टोटल शिष्य कितने थे भाई? 152। इनमें सिलेक्शन 52 का ही हुआ था। पूरी कोचिंग में स्टूडेंट तो 152 आए थे पर सिलेक्शन 52 का हुआ, इसलिए 52 दादू जी के मुख्य शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। ये दादू पंथ के पिलर है, 52 स्तंभ है।